कैलाशपुर के भूले बिसरे गांव के बीच में रहस्य और अंधेरे में डूबा एक प्राचीन महल खड़ा था। इसका अशुभ छाया चित्र परिदृश्य पर मंडराता है, जो बीते युग का प्रमाण है। किंवदंतियां एक भूतिया प्रेत के बारे में फुसफुसाती थी, जो इसके हॉल को प्रेतवाधित करती थी, और स्थानीय लोग रात होने के बाद इसका नाम बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। फिर भी दो दोस्त रामू और राजू, जो अपने अदम्य साहस के लिए जाने जाते हैं, भयानक कहानी का सामना करने का फैसला करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे दो दोस्तों रामू और राजू की कहानी से। आप अंत तक जरूर देखें। एक चांदनी रात में दोनों हवेली के सामने खड़े थे। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। आसपास के पेड़ों की कंकालीय शाखाएं वर्णक्रमीय उंगलियों की तरह फैलती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो उन्हें आसन्न संकट की चेतावनी दे रही थीं। बिना किसी डर के रामू और राजू ने भारी गेट को धक्का देकर खोल दिया। उनकी गूंजती कराहों ने रात को एक भयानक माहौल बना दिया। हवेली का आंतरिक भाग भूली बिसरी यादों और चरमराते फर्शबोर्डों का भूल भुलैया था। दोस्त मंद रोशनी वाले गलियारों में घूम रहे थे। उनकी फ्लैशलाइटें लंबी छायाएं बिखेर रही थीं, जो अतीत के भूतों के साथ नृत्य कर रही थीं। अचानक हवा के झोंके ने उनकी बत्तियां बुझा दी, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। हल्की हल्की फुसफुसाहटें हवा में गूंज रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। रामू, क्या तुमने सुना? अंधेरे में राजू की आवाज कांप उठी। अपने दोस्त की आवाज में डर को नजरअंदाज करते हुए रामू ने जवाब दिया, बस हवा हमारे साथ चालाकी कर रही है, चलते रहो। जैसे ही वे गहराई में गए, दूर के कमरे से एक रहस्यमयी चमक निकलने लगी। उत्सुकतावश वे सावधानी से आगे बढ़े। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कमरे में एक प्राचीन चित्र सजी हुई थी, जिसमें एक दुखी महिला का चित्रण था, जिसकी आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। किंवदंतियों ने सच कहा था, यह हवेली दुखद अतीत के रहस्यों को छुपाए हुए है। अचानक तापमान गिर गया और एक अदृश्य शक्ति उन्हें एक छिपी हुई सीढ़ी की ओर धकेलती हुई प्रतीत हुई। घबराहट के साथ वे हवेली के भूले हुए तहखाने में उतरे। टिमटिमाती मोमबत्तियों और एक अलौकिक उपस्थिति से सजे एक मंद रोशनी वाले कक्ष ने स्वयं को प्रकट किया। चित्र में महिला की भूतिया आकृति साकार हो गई। उसकी आंखें दुख और लालसा से भर गईं। तुमने मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया है, उसकी आवाज गूंज उठी, जिससे हवा में तरंगे फैल गईं। रामू और राजू अब उस प्रेत के आमने सामने थे। उन्हें भय और सहानुभूति का मिश्रण महसूस हुआ। भूत ने उसके विश्वासघात और परित्याग की कहानी का खुलासा किया, एक ऐसी कहानी जो सदियों तक गूंजती रही। उसकी दुखद कहानी से प्रभावित होकर दोस्तों ने उसे शांति पाने में मदद करने की कसम खाई। हवेली की गहराइयों में छिपी एक प्राचीन पुस्तक से प्रेरित होकर रामू और राजू ने आत्मा को उसकी शाश्वत पीड़ा से मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान किया। हवेली कांप उठी, क्योंकि भूतिया प्रेत धीरे धीरे खत्म हो गया और अपने पीछे शांति की आभा छोड़ गया। एक समय प्रेतवाधित रहने वाली वह हवेली अब खामोश खड़ी थी, मानो अपने भूतिया निवासी की रिहाई के लिए आभारी हो। जैसे ही सुबह हुई, रामू और राजू हवेली से बाहर आए। उनके चेहरे पर रात की परेशानी के निशान थे। कैलाशपुर गांव उस अलौकिक नाटक से अनजान था, जो हवा में एक अनकही शांति महसूस कर रहा था। रामू और राजू वर्णक्रमीय क्षेत्र के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए। इस कहानी को अपने साथ ले गए। वह हवेली जिससे कभी लोग डरते थे और बचते थे, साहस और करुणा का प्रतीक बन गई। कैलाशपुर गांव में अब तक बताई गई सबसे अच्छी भूत की कहानी आतंक की नहीं, बल्कि दोस्ती, बहादुरी और एक पीड़ित आत्मा की मुक्ति की कहानी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। We'll be right back.